दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी व उर्दू भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय भाषाएं पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अली अहमद को माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत कई पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसके संबंध में डॉक्टर अजीज अहमद ने बताया कि मुझे उर्दू पसंद है और उर्दू मेरी ज़ुबान पर होता है। मेरे द्वारा लिखी जो नज़में और गज़लें थीं वह धीरे धीरे किताब की सूरत में तब्दील हो गईं और उसका नाम रखा मुझे सब है याद ज़रा ज़रा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ से लेकर स्कूल और कॉलेज की बाजी की टीमों से लेकर यहां तक सिलसिला जारी रहा। इस अवसर पर BHU उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आफताब अहमद आफाकी, शिबली कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, सदस्य संस्कृति मंसूरी उत्तराखंड के प्रोफेसर प्रमोद भारतीय, छात्र छात्राएं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा जयपुरा कौमी सेमिनार का इनकाल होना है। हमारे देश के चार पांच अधिकों किताबों का सिलसिला भी अमल में आना है। सबसे पहले हम कौम के रहनुमा हमारे दरमियान दशी शर्मा ही जो हमारे प्रोग्राम की तरफ दरअसल मुझे उर्दू बहुत पसंद है, ज़बान बहुत पसंद है, लेकिन प्रोफेशनली मैं आ गया मेडिकल साइड में। मेरे दोस्त अहबाब जो थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इतनी सारी नज़में गज़लें अशार याद हैं, तो एक अपनी याददाश्त आप तैयार कर लें ताकि कम से कम एक वो याद दहानी रह जाएगी। तो उस लिहाज से मैंने जो अशार मुझे जब जहाँ याद आए मैंने लिख लिए, जो नज़में थीं जो गज़लें थीं, और धीरे 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 एक किताब की सूरत हो गई वो, और उसका नाम मैंने रखा मुझे सब है याद ज़रा ज़रा। मुझे ये इसलिए ये नाम भी पसंद था कि अलीगढ़ से ले के, बल्कि स्कूल और कॉलेज की बैतबाजी की टीमों से ले करके अलीगढ़ से यहाँ तक ये सिलसिला जारी रहा, और मैंने इसको मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किया, तो अब वो मुझे सब है याद ज़रा ज़रा के नाम से मैंने उसे छपवा लिया है। ये इसकी रुदान है।